हेलो इंजीनियर्स, दिस इज ओवरशांति। तो आज आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही बढ़िया एक गैजेट जो होगा आपके जो सिम होगा, सिम को इस सॉकेट पे लगाएंगे। लगाने के बाद आपके बाइक हो, आपके कार हो, कोई भी बिगल हो, इस पर आप इसको फिट करेंगे। और करने के बाद जब भी कोई चोर अगर इसको बिगल को अगर स्टार्ट करके ऑन करके जब भी इसको चला के लेके जाएगा तो तुरंत आपके पास मोबाइल पे फोन आ जाएगा उसी नंबर पे। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही बढ़िया एक गैजेट है। तो चलिए इसको हम लोग आसानी से किस प्रकार से घर पे बना सकते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई LTM.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, PCB डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें। तो इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इस सिम टूल की जरूरत होगा। तो यहाँ पे आप सिम टूल को देख सकते हैं, सिम 800L इसका मॉडल नंबर है, ठीक है। और इसका EMI भी नंबर इसमें ऑलरेडी है इस पे, ठीक है। तो इस पर कुछ पिन हमने दिखाया है, तो पिन का कनेक्शन सभी का कनेक्शन नहीं होगा, हम लोगों को सिर्फ RX और TX को जरूरत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि इस तरफ जो पिन होगा, पहला जो पिन है वो होगा एंटेना के लिए। आप इस पर जो लिखा आ रहा है देख सकते हैं छोटा करके, आप इसमें से देख के भी कर सकते हैं। तो ये पहला होगा एंटेना, उसके बाद होगा BCC यानी कि हम लोग वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद रीसेट इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, उसके बाद होगा RX, उसके बाद होगा TX। तो RX और TX को हम लोगों को लगाना होगा जो कि 80 मेगा पे, ठीक है, या फिर Arduino पे। और उसके बाद जो लास्ट होगा वो होगा ग्राउंड। तो इसी कनेक्शन को हम लोग लगाएंगे जो कि 80 मेगा पे। और इस तरफ कुछ कनेक्शन है इसके हम लोगों को ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं आपको बोल देता हूँ। तो ये जो पहला है ये रिंग के लिए, मतलब कोई भी फ़ोन आएगा तो ये रिंग करेगा, ठीक है। तो इसका दूसरा जो पिन है वो है DTR, ठीक है। उसके बाद होगा माइक पिन, उसके बाद भी माइक पिन है, उसके बाद स्पीकर, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी, हम लोगों को सिर्फ इस तरफ के कनेक्शन को ज़रूरत होगा। तो इसी को लगा के हम लोग यूज़ करेंगे। और इस पर जो सिम हम लोग लगाएंगे वो 2G सिम होगा, इसी हिसाब से हम लोग इस पर इस तरह फिट कर देंगे। तो इसको दबाने से ये फिट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे 2G या 3G सिम हम लोग इस पर फिट करके इसका काम करेंगे। तो अभी चलिए इसको यूज़ करके हम लोग ये प्रोजेक्ट बना के देखते हैं। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को इस पर प्रोग्रामिंग अपलोड करना होगा। तो प्रोग्रामिंग किस प्रकार से होगा वो आपको समझा देते थे, थोड़ा बहुत इस पर समझना होगा क्या है इसमें, ठीक है। सभी प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये प्रोग्रामिंग, सिर्फ आपको सिर्फ एक चीज इस पर ऐड करना पड़ेगा। तो अभी चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोग्रामिंग को हमने जो कि ओपन कर दिया है, सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे जो फोन नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पे एंटर योर फोन नंबर, ठीक है। तो ये मिडियल पे, ये बीच पे आप लोगों को आपका जो फोन नंबर है वो एंट्री करना पड़ेगा। लेकिन एंट्री करने से पहले
फोन नंबर को जो है इसके सामने आप लोगों को कंट्री कोड देना होगा। तो हमारा जो कंट्री कोड है वो +91 है, तो +91 दे के आप लोगों को इस पर अपना खुद का जो मोबाइल नंबर इस पर सेट करना पड़ेगा। जिस नंबर पे फोन जाएगा उसी नंबर का नंबर इस पर सेट करना होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसी नंबर पे फोन भेज देगा, तो दूसरा कोई नंबर पे नहीं भेजेगा। तो इसी को सिर्फ हम लोगों को बिठाना होगा। तो इसको बिठाने से हम लोगों को ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को सिर्फ अपलोड कर देना होगा। अपलोड करने के बाद जो कि प्रोग्रामिंग ATM का या फिर Arduino पे अपलोड हो जाएगा, उसके बाद आसानी से ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये सर्किट कंप्लीट हो गया है। तो इस पर कुछ कंपोनेंट हमने लगाया है जो कि होगा, यहाँ पे आप सिम टूल देख सकते हैं। तो 800L का सिम टूल हमने लगाया है। इस पर आप देख सकते हैं एक सिम हमने इस पर फिट किया है। वो सिम 4G होगा तो सपोर्ट नहीं करेगा, अगर 3G होगा 2G होगा तो ही ये काम करेगा। तो इस पर 4G सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ 3G या 2G का सिम इस पे लगाएंगे। और यहाँ पे मैंने एक माइक्रोकंट्रोलर लगाया है, जो कि आप माइक्रोकंट्रोलर के बिना आप कोई भी Arduino वगैरह लगा सकते हैं। Arduino मेगा, Arduino मिनी, कोई भी Arduino आप लगा सकते हैं। और इस 80 मेगा को पावर देने के लिए हमने अलग से एक जो कि 7805 लगाया है, जो कि 12 वोल्ट से 5 वोल्ट इसको कन्वर्ट करेगा। करने के बाद इसी 80 मेगा पे जो कि वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। और आप देख रहे हैं इस पर एक बैटरी हमने लगा दिया है, ठीक है। बैटरी को लगाया है, जो अलग से ये सिम टूल है इसको हम लोग इसमें से वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। तो ये जरूरी है, अगर नहीं होगा ये काम नहीं करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एंटेना हमने फिट किया है जो कि सिम के लिए काम करेगा। और यहाँ से हमने 3 वायर निकाला है, तो 3 पर 2 जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा 12 वोल्ट का, जो आप ये बिगल जो होगा बिगल के बैटरी से ये प्रोवाइड होगा। और सिंगल एक वायर इसमें दिख रहे हैं, ये सिंगल वायर है जो इग्निशन होगा, मतलब जब भी चाबी ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद जो इग्निशन ऑन होते हैं उसी इग्निशन पे ये कनेक्शन करेंगे हम लोग। करने के बाद जब भी इस पे वोल्टेज आ जाएगा, इग्निशन ऑन करने के बाद जब भी इस पे वोल्टेज आएगा तभी ये सर्किट काम करेगा और सिम से जो कि आपके मोबाइल पे फोन आ जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार ये स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो अभी चलिए इसी सर्किट को हम लोग टेस्टिंग करते हैं, अपने बीगल पे लगा के हम लोग टेस्टिंग करेंगे। तो चलिए इसको लगाते हैं पहले। तो अभी ये सर्किट कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पे मैंने फिट कर दिया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जब भी चाबी को ऑन करेंगे तो ये लाइट ग्लो करेगा और मोबाइल पे फोन आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव हमने लगा दिया 12 वोल्ट। और यहाँ पे जो वायर है इसको हमने इग्निशन पे कनेक्शन कर दिया है, तो ये जो वायर इसके मदद से हम लोग इसका कनेक्शन कर सकते हैं। और जब भी इसको ऑन करेंगे तो तुरंत फोन आ जाएगा अपने मोबाइल पे। तो चलिए देखते हैं इसको टेस्ट करके। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से एक सिक्योरिटी डिवाइस हम लोग बना सकते हैं, वो भी बिगल पे लगा सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों द्वारा शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।